गंगाजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बावजूद आगरा महानगर में पानी पीने की समस्या से जूझ रहा है। गंगाजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत आगरा में आगरा को 115 क्यूरे जिसमें से 10 क्यूरे मथुरा और वृंदावन का भाग है पानी की आपूर्ति होती है, जबकि महानगर में पेयजल आपूर्ति के लिए यमुना नदी के पानी का शोधन भी अनिवार्य है। जापान की जायका फंडिंग एजेंसी के द्वारा 355 करोड़ रुपए के पोषित गंगाजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में आगरा के लिए परिकल्पित प्रोजेक्ट मूल प्रोजेक्ट में ही गंगा जल के साथ ही यमुना नदी आधारित सिकंदरा और जीवनी मंडल जलकर इकाइयों का यथाकार संचालित जारी रखने का उल्लेखना है, जबकि गंगा जल प्रोजेक्ट शुरू होते ही 114 क्यूरेशन गंगा जल प्रोजेक्ट पर ही पूरे महानगर की जलापूर्ति आधारित कर दी गई है। लेकिन जो जानकारी मिली और स्थलीय निरीक्षण के में सामने आया है कि गोकुल वैराज जो कि यमुना नदी को संचालित करने तथा आगरा के लिए पानी का डिस्चार्ज रेगुलर करने के उद्देश्य लिए बनी है। ये वैराज के डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़े जाने का काम निर्धारित डिस्चार्ज से कहीं कम लेकर केवल प्रतिक्रमित कर रही है। फलस्वरूप आगरा में यमुना जल मात्र का नाम का मात्र है और क्वालिटी में भी भारी गिरावट आई है। आगरा जनपद से रामेश्वर सोनी की रामव्रत उपाध्याय। आज सीरोज हैंगअप कैफे में सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की एक बैठक हुई पानी की समस्या को लेकर के। आगरा में यमुना नदी का पानी भी बहुत ही दूषित हो चुका है और एक तरफ विंध्याचल पर्वत से जो नदी निकलती हैं वो टंगन नदी, पार्वती नदी, खारी नदी, वो भी सूखी पड़ी रहती हैं। और यहाँ की जो झाल हैं, जोधपुर झाल, कीटम झाल, ये भी कोई विशेष इसका आगरा की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैसे इन सब को हम पानी के स्रोत को पुनर्जीवित कर पाएँ, किस प्रकार आगरा के लोगों की प्यास बुझे और यमुना नदी पूरी तरह से निर्मल और लवालब चले, इसको लेकर के यहाँ पे जो कार्यक्रम में बात हुई आज, उसमें ये तय हुआ कि हम सरकार को देने के लिए भी कुछ सूत्र बना रहे हैं, कुछ अपनी मांग रखेंगे और एक जनता में जाने के लिए भी एक मुहिम चलाएंगे। तो उसके लिए जल पंचायत करके एक कार्यक्रम बनाया है जो गांव से लेकर के, कस्बों से लेकर के और राजधानी तक हम जल पंचायतें करेंगे, जिसके माध्यम से हम जनता और सरकार दोनों के बीच में अपनी आवाज उठाएंगे इन मुद्दों को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमने एक प्रयास किया आगरा के लोगों के साथ मिलकर कि हम पानी की क्या समस्याएं हैं उसको एक साथ जॉट डाउन करें और फिर उनके सॉल्यूशंस के लिए कार्य करें और कैसे हम इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कार्य कर सकते हैं उसका हमने प्लान किया है और जल्दी ही हम जो एक्शन प्लान है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। पहला प्रॉब्लम तो हमारा ये सॉल्व, जिसके लिए आप इतने सारे प्रॉब्लम मल्टी पॉइंट से बता रहे हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है, और साथ ही जो हमारे बिग जहाँ पे हमारा दोहन ज़्यादा हो रहा है पानी का, जैसे कि और रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये पॉपुलर है ही नहीं, मतलब प्लेन्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की और हमारे उसमें ये पॉपुलर नहीं है। ये चीज़ बिल्डर्स हैं हमारे पास बड़े बड़े, हम सबके नाम जानते हैं पर्सनली, बहुत सारे लोग जानते होंगे उन बिल्डर्स, बट वी आर नॉट पुशिंग मैम कि वो उस सिस्टम को लगाएं। बड़े बड़े हम सभी बिल्डिंग्स चाहते हैं किसी न किसी, वाई वी आर नॉट एक्टिव एज सिटीजन and coming up as a civil society and putting the system on our buildings. अपने ग्राउंड वाटर को तो खुद रिचार्ज कर लो, होगा तो सब होगा जो हो रहा है, एंड दैट विल टेक टाइम। एसटीपीज का तो हमारा कोई रिपोर्टिंग ही नहीं है, एसटीपीज का मतलब ये पूरा धांधली हो रहा है और इस उसमें ऐसे रील चला चला के बच्चे दिखा रहे हैं आजकल, वो रील्स चलती हैं हमारे बड़े फेमस आगरा डायरी, ये वाई वी आर नॉट रिपोर्टिंग दैट। सो दिस इज माई इशू कि एक तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंडिविजुअली एज बिल्डिंग्स होना चाहिए और दूसरा हमारी नदी वापस आनी चाहिए सो दैट हम डबल कर सकें हमारे स्टे को। तो हम कह रहे हैं आगरा में लोग नहीं उठते, आगरा में लोग नहीं उठते, जिस दिन नदी वापस आ जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ कि आगरा की दोनों तरफ जो हाथीघाट का एरिया है वहाँ से लोगों को बकायदा उनसे करोड़ों में ज़मीन खरीदी जाएगी, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, वहाँ होटल्स आ जाएंगे, होटल चेन्स लग जाएंगे,
और वही जगह आपको वो मुंबई में वो जो जुहू के सामने और उसके सामने आप जो एरियाज देखते हैं वैसा दिखने लगेगा, या फिर आप जैसे गैंडिस पे देखते हैं अलोहा और उनको इतना ह्यूज चेंज लगा रखी है उन्होंने अपनी, तो कर देंगे वैसा, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को तो बस ये चाहिए कि कुछ स्पेस मिल जाए जहाँ से वो पैसे उघाड़ सकें, और करोड़ों रुपये मिलेंगे तो एक एक मुगल ही क्यों कमाएं और जेपी ही क्यों कमाएं और हम भी आएंगे। सो मुझे मालूम है कि मैं दोहन की ही बात कर रही हूँ, बचाने की बजाय यहाँ पे भी दोहन ही हो, बट वी अगेन ही हैव टू सी कि हमारे शहर में किसी और तरीके से वो भी नहीं आता है, मतलब कोई हमारा कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारे पास में अपार्ट फ्रॉम दोहन। सो दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम टू मी, बट दिस इज माई आइडिया। मैं आपको एक चीज बताऊँ, वाटर हार्वेस्टिंग पे 100% वाटर हार्वेस्टिंग आगरा के 100% नॉट इवन वन होटल इज देयर विच इज नॉट हैविंग एवरीबडी, उससे फर्क पड़ा हमारे जो वाटर लेवल है। लोकल जो रहने वाले हैं, जो डोमेस्टिक वाले लोग हैं, उन्होंने नहीं किए, क्योंकि एनजीटी ने प्रेशर डाला था और उसने जो है लोगों को पैनलाइज करने की कोशिश की थी, तो जियोलॉजिकल वालों ने कंपलसरी किया होटलर्स को, तो सबने होटल वालों ने कर दिया। ये जो आप कह रहे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक तो पूरा जो जो नालियाँ हैं जो पानी गिर रहा है उसको एक तो आपको सारे को एक ड्रेन सिस्टम में लेके जाना है जमीन के नीचे, और उसके फिर मल्टीपल उसकी जो एक तो सॉलिड के लिए होता है और उसके बाद एक जो नीचे चैम्बर जाता है उसके थ्रू वो नीचे वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए। उसके अलावा ये इंटरप्शन जो होते हैं जाती है आती है लाइट, ये सब कम होना चाहिए। उसके अलावा उनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उस पर वी आर वर्किंग। मतलब जो बेसिक मेरे को लग रहा है इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम है जो अवेलेबल है 25 और व्हाटएवर 28, यू शुड अंडरस्टैंड कि कितना फंड है उसमें, उत्तर प्रदेश के पास कितना फंड एलोकेटेड है, कितना उन्होंने DPR प्रपोजल पुट अप किया है उसके अंदर, देन वी शुड लुक एट कि आगरा के अंदर वाटर है 4-5 प्रोजेक्ट्स विच यू नीड टू डू विच कैन इम्पैक्ट मतलब इन सिग्निफिकेंट वे। उसके बाद मतलब दैट शुड बी द बेस्ट वे मुझे लग रहा है, मतलब बेस्ट शुड बी डन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये भी होना चाहिए साथ में एनालिसिस ऑफ द करेंट स्कीम्स, हाउ मतलब आगरा का क्या रोल है, अभी तक कितने अपने सबमिट करें जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को कि ये प्रोजेक्ट्स हैं हमारे 24 प्रोजेक्ट्स हैं जो इतने टाइम से पेंडिंग है, मतलब बीच बार इतने इतने व्हाटएवर 50 करोड़ 40 करोड़ के जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो किस स्टेज पर है उसको पहले परस्यू करना चाहिए, उसको अमेंड करके और इम्प्रूव करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो एक ये भी होना चाहिए सर, क्योंकि हमें पहले से चल क्या रहा है, पाइपलाइन क्या है, बजाय नई चीज़ को बुलाने की, तो एक आइडिया लग जाएगा कि क्या है। मगर पॉइंट की बात कर रहे हैं, वी आर यू नो हैंडिंग सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एट नेशनल लेवल, आगरा इटसेल्फ इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी वेयर दुनिया के हर हिस्से से बंदा आ रहा है। अगर ये शहर अपने आप में एक मिसाल नहीं होगा, वॉट काइंड ऑफ इमेज आर वी प्रोजेक्टिंग, पूरी कैपिटल यूनेस्को साइट्स हैं 3 आगरा में, आगरा में भरतपुर को ले लेंगे आप मैक्सिमम मैक्सिमम बेटी जो आपने बताया।